जोहार नमस्कार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। किसान भाई बहनों, आप सभी के लिए आज हम कृषि संबंधित फिर से नई जानकारियां लेकर हाजिर हो गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं अनुश्री, आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ड्रिप इरीगेशन लगवाने के लिए किसानों को दिया जाता है 90% तक अनुदान। लत्तेदार सब्जियों के लत्तर के लिए छप्पर बनाना जरूरी है। मूंगफली के दानों को बहुत कम समय में छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। सिंचाई जल की कमी से होने वाली समस्याओं से बहुत हद तक निजात दिलाता है टपकन सिंचाई प्रणाली। इस विधि से सिंचाई द्वारा पानी की अच्छी खासी बचत होती है, साथ ही टपकन विधि द्वारा सिंचाई से फसल भी अच्छी मात्रा में और गुणवत्ता युक्त होती है। इस प्रणाली को अपनाने वाले किसानों को सरकारी सहायता भी प्राप्त होती है। झिंगी, नेनुआ, करेला, लौकी इत्यादि सब्जियां अभी बहुत से किसान भाई लगा रखे होंगे। जब इनके लत्तर बढ़ने लगे तो उन्हें जमीन पर ना फैलने दें, क्योंकि फलों के मिट्टी से सीधे संपर्क में रहने से फलों के सड़ने गलने का खतरा रहता है। अतः इसके लिए छप्पर बनाकर लत्तर को उस पर चढ़ाना उत्तम होता है। लत्तेदार सब्जियों की देखभाल में विशेष रूप से पौधों को छप्पड़ बना करके पौधे के चढ़ने की व्यवस्था करें लत्तरदार सब्जियों की, जिससे कि उसमें जो फल हों वह जमीन से दूरी बनाए रखें, जमीन मिट्टी से उनको वो स्पर्श ना करें, जिससे उस पर किसी तरह के रोग का प्रकोप ना हो। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और लत्तरदार सब्जियों में अभी झिंगी, नेनुआ, करेला, लौकी, खीरा, इन सब सब्जियों की खेती हमारे किसान भाई बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में प्याज की फसल कर सकते हैं। झारखंड के परिवेश में प्याज की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान डार्क रेड और एग्रीफाउंड नामक उन्नत प्रभेद के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर पैदावार के लिए इन्हें लगाने से पहले बीजोपचार अवश्य करें। बरसाती प्याज अब हमारे किसान भाई अभी अगर लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बरसाती प्याज की एक किस्म है जिसका नाम है एग्रीफाउंड डार्क रेड ADR। इस किस्म का व्यवस्था करें और इस किस्म के बिचड़े तैयार करने के पहले ऊंची जमीन पर बीज स्थल तैयार करें और बीज का उपचार अवश्य करें। उपचार करने हेतु कार्बेंडाजीम का इस्तेमाल करें और प्रति केजी बीज के लिए 3 ग्राम कार्बेंडाजीम का प्रयोग करें। जो किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं वे कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखकर इस व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कम उम्र में बकरियों का वध ना किया जाए, उन्हें अच्छी तरह तैयार होने दें। पूर्ण रूप से तैयार बकरियों का वजन भी ज्यादा होगा और वे अच्छा लाभ भी देंगी। बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कम उम्र में जो है उसका वध नहीं करवाए, उसको जो है काफी बड़ा होने पर, उसका वजन होने पर जो है उसको आप वध करने के लिए बेचें। इसके लिए आप क्या करें कि ज़्यादा वजन आए कि शुरू से ही, चूँकि बकरा वगैरह में 1 साल तक शारीरिक वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, तो उस समय जो है उसको अच्छा किस्म के दाना वगैरह जो संतुलित दाना होता है जिसमें मक्का दर्रा, बाजरा, ज्वार, जौ या खल्ली, चोकर, नमक सब मिला के जो संतुलित दाना बनाते हैं, इसका जो है आप उनको उचित मात्रा में देते रहें तो उसकी शारीरिक वृद्धि होगी और जो है काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग कर सकते हैं। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। सफलता की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। जी हाँ, आज के संक में भी हम मिलवाते हैं ऐसे ही एक किसान से जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की।
आइए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी। हम लोगों का जो बाप दादा खेती क्या करते थे, पुराने ढंग से करते थे, जिसमें अधिक उपज नहीं होता था। हम लोगों का 6 डिसमिल का कट्ठा है और 1 कट्ठा में 1.5 से 2 मन धान होता था। लेकिन जब हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी से जुड़े, फूलपुर में ट्रेनिंग लिए, पलांडू में ट्रेनिंग लिए, एनजीओ के साथ जुड़ करके ट्रेनिंग लिए, और लेने के बाद हम लोग वैज्ञानिक ढंग से खेती करने लगे, एसआरआई द्वारा धान का खेती करने लगे, उसके बाद गेहूं का खेती करने लगे, और फिर बागवानी वगैरह करने लगे, हाइट एंड सिंटी का अमरूद लगाए, नींबू लगाए, इससे हम लोगों का अधिक बेनिफिट होने लगा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 29, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 30, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 32, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 29, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और हम मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी फिलहाल बरकरार है। मूल्यविदों के अनुसार दलहनी अनाजों के भावों में आंशिक नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के भावों में तेजी बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2500, अधिकतम 3100 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 3000, अधिकतम 4500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600, अधिकतम 2100 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10170, अधिकतम 11400 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 8000, अधिकतम 8600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4600, अधिकतम 5100 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9150, अधिकतम 10100 रुपए। आलू न्यूनतम 1350, अधिकतम 1800 रुपए। प्याज न्यूनतम 1400, अधिकतम 1850 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारी ली। चलिए जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाई बहनों, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से आप खेती तो कर लेते हैं, फसल की पैदावार भी अच्छी होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप नज़रअंदाज करते हैं कि मिट्टी किस तरह से ख़राब हो जाती है और उस जगह पे फिर से हम फसल की पैदावार अच्छे से नहीं कर सकते हैं। अगर उसी के जगह पे हम वर्मी कंपोस्ट अर्थात केचुआ खाद का उपयोग करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हमें फसल की पैदावार मिलेगी और ऊपर से मिट्टी ख़राब भी नहीं होगी। तो चलिए इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर करुणा कुमारी से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी शंकर कुमार पाठक। किसान अपने फसलों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, एवं आज सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में
हर मुमकिन कोशिश भी हो रही है कि किसानों द्वारा किए गए मेहनत के बदले उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके। इसके लिए भारत में नए नए कृषि विश्वविद्यालयों को खोला जा रहा है, जहां कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती की उन्नत तकनीक बताई जाती है, जिसमें बीज उपचार, नवीनतम उपकरणों, सिंचाई, मिट्टी जांच एवं फसलों में होने वाले तमाम रोगों के उपचार शामिल हैं। कृषि तकनीक में उर्वरकों के साथ साथ खाद की उपयोगिता भी महत्वपूर्ण है, जिसका संतुलित मात्रा में प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं उपज में भी बढ़ोतरी होती है। खादों में मुख्यतः किसान गोबर खाद, रासायनिक एवं जैविक खाद का सुविधानुसार खेतों में प्रयोग करते हैं। इसी में जैविक खाद का उदाहरण है वर्मी कंपोस्ट, जिसे आम भाषा में केचुआ खाद भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट जो हम देखते हैं अक्सर बरसात के दिनों में, आपने देखा होगा कि केचुए होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं, वो केचुए जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ही जो हम लोग जो अब भी उपयोग करते हैं, इस पे एक प्रोडक्शन किया जाता है, एक उत्पादन होता है, वो मिट्टी वाले अलग होते हैं और ये हमारा उत्पादन अलग होता है। इसमें हम केचुए के पाचन संस्थान से जो कुछ भी जैविक पदार्थ जब मलमूत्र के रूप में जो बाहर निकलता है, वही हमारा वर्मी कंपोस्ट है, जैविक खाद है के रूप में इसे हम लोग व्यवहार करते हैं। और ये हमारा एक इस तरह का होता है, ये चाय की तरह का भुरभुरा होता है और वो एक केचुआ बनाता है और उससे हम उसका उपयोग करते हैं, जैविक पदार्थों को खाकर वो केचुआ इसे तैयार करता है। इस खाद का प्रयोग सदियों से किसान अपनी खेती में करते आ रहे हैं। इसके कई फायदे हैं, चूँकि रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाता है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि गोबर खाद या केचुआ खाद का प्रयोग करना फायदेमंद रहता है। चूँकि गोबर खाद बनाने में 5 से 6 महीने लगते हैं, वहीं केचुआ खाद 60 से 70 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। इसमें कई गुणकारी एंजाइम व प्रोटीन शामिल रहता है, जिसके कारण मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से खेत में खरपतवार कम होते हैं एवं फसलों पर कीटों व रोगों का प्रकोप भी कम होता है। केचुआ खाद के प्रयोग से कृषि उत्पादों की संरक्षण अवधि बढ़ जाती है, साथ ही इसमें उपजने वाले फल सब्जियां भी स्वादिष्ट होती हैं। केचुआ खाद के उत्पादन हेतु किसानों को वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले एक छायादार जगह का चुनाव करें, फिर जमीन से ऊंची 3.5 से 4 फीट चौड़ाई और 10 से 12 फीट लंबाई एक बेड का निर्माण करें। इसमें पुराना गोबर, कृषि अवशेष, फल सब्जियों के छिलके डालकर केचुओं की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति लाल केचुआ को इसमें डाल देते हैं। केचुआ इन अवशिष्ट पदार्थों को खाकर मल के रूप में उत्तम खाद का निर्माण करते हैं, फिर इसके ऊपर भी अवशिष्ट पदार्थों को डालकर ढक देते हैं। नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी का छींटा भी देते रहना फायदेमंद रहता है। बेड का तापमान 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। इस उन्नत तकनीक को अपनाकर केचुआ खाद का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। आए दिन फसलों में होने वाले रोग व्याधियां, खरपतवार, इन सब से बचा जा सकता है। इसके लिए हमें मिट्टी में रासायनिक के बदले गोबर या केचुआ खाद का प्रयोग करना होगा। धान की खेती के लिए 1 एकड़ में 10 क्विंटल केचुआ खाद की लागत क्षमता होती है, जिससे धान की उपज एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति दोगुनी हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट देखिए, आजकल हम देखते हैं कि किचन के वेस्ट को भी, किचन का जो हमारा अवशेष पदार्थ निकलता है, जो व्यर्थ पदार्थ निकलता है, उसका भी हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। लेकिन अधिकतर किसान भाई जो करते हैं वो ऐसा है कि हम इसमें एक जो छायादार जगह है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक इसका एक प्लॉट जैसा तैयार करते हैं। इसमें है कि आपका 10 फीट लंबाई का और 3 फीट चौड़ाई और 2.5 फीट गहराई का गड्ढा खोदते हैं। या तो अभी आजकल है ये बहुत तरह से उपलब्ध हो रहा है, नवार्ड के द्वारा भी हो रहा है, आत्मा के द्वारा होता है, वो पिट ही तैयार करके दे देते हैं। लेकिन अगर आपको पिट नहीं मिलता है तो हम लोग इस तरह का एक गड्ढा तैयार करते हैं, 10 फीट × 3 फीट और 2.5 फीट गहराई का, और उस गड्ढा को हम लोग क्या करते हैं कि ईटा से पहले जोड़ देते हैं। अगर आपके पास नहीं है ईटा, अगर आप उतना पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो आप इसमें पॉलीथीन भी बिछा सकते हैं, उस गड्ढा में पॉलीथीन बिछा सकते हैं, और फिर हम उसके नीचे या तो मिट्टी
या सड़ी हुई गोबर का एक परत 6 सेंटीमीटर का बिछा दें, 6 इंच का बिछा देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी खरपतवार है हमारे पास या हमारा जो किचन का वेस्ट है, जो किचन का व्यर्थ पदार्थ है, छिलका है, साग सब्जी है, जो भी हमारे पास व्यर्थ पदार्थ हैं उनको हम लोग उस पर पतले पतले महीन काट के थोड़ा नरम पानी के साथ थोड़ा भींगने देते हैं। वो नरम हो जाता है तब उस पर हम उसका एक लेयर बिछा देते हैं, एक तह बिछा देते हैं। उसके बाद उसमें फिर हम लोग एक गोबर डाल देते हैं, गोबर का घोल बना के डालते हैं। इसके बाद एक तीसरा तह जो हम लोग देते हैं वो होता है पत्ता का, घास फूस का, जो भी पत्ता हमारे बगीचे में उपलब्ध है या किचन गार्डन में उपलब्ध हमारा है पत्ता, उस पत्ते को लेके हम नरम करके उसको फिर गोबर के साथ मिला के एक तीसरा परत उस पर 8 इंच का डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग गोबर को घोल करके पूरे ऊपर के लेयर में बिछा देते हैं, ऊपरी तह में एक गोबर का घोल बिछा देते हैं। और उसके और हर एक तह में हमें यह ध्यान रखना है कि उसमें नमी पर्याप्त मात्रा में हो, बिना नमी के इसका वृद्धि नहीं हो सकता है, तो हमें नमी को देखते रहना है। और ऊपर के लेयर में गोबर बिछाने के बाद हम इसे एक जूट के बोरे से पूरे पिट को ढक देते हैं, जिससे कि अंधेरे में केचुआ का सर्कुलेशन या प्रवाह या वृद्धि जो कहिए आप वो तेज़ी से होता है, और रोशनी में उसकी गति रुक जाती है, कम हो जाती है। और चूंकि हम तब इसमें देखते हैं कि नमी और प्रकाश दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, अगर वो अंधेरा रहेगा तभी उसकी वृद्धि होगी। और इसके बाद हम लोग 50 से 60 दिन में हमारा केचुआ खाद तैयार हो जाता है, और उस केचुआ खाद में हमारे मतलब जो भी इंजाइम्स हैं, पोषक तत्व हैं और हॉर्मोन्स हैं, ये सभी हमें कोई भी खाद से ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और आजकल इस पर काफ़ी ध्यान भी दिया जा रहा है जैविक खाद पे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि हमें जो जैविक खाद को प्रोत्साहन देना है। और जैसे हम देखते हैं कि सिक्किम हमारा पहला राज्य बन गया है, हमारे देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें जैविक खाद पूर्णतः अपनाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो इस विधि को अपनाएं और जैविक खाद का उत्पादन करें, और इससे अभी अपने फसलों में देकर मतलब कि उत्पादन की वृद्धि करें। तो वर्मी कंपोस्ट का किस तरह से खेती में महत्व है इसके बारे में तो हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दे दी, आगे और जानकारी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा विराम, तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें, और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, गेंदा फूल की मांग आजकल बाजार में बहुत बढ़ गई है। शादी ब्याह हो या पर्व त्यौहार हो तो इसमें गेंदा फूल की बहुत मांग बढ़ गई है। तो आज हम जानेंगे कि व्यावसायिक खेती किस प्रकार से करें गेंदा फूल की, इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर AK झा, और उनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र साहिबगंज में है, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के प्रधान और वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा। ये हमें जानकारी देंगे, आप तो विभिन्न प्रकार की खेतीबाड़ी करते हैं, धान की, अनाज की फसल उगाते हैं, फल की फसल उगाते हैं, सब्जी की भी खेती करते हैं, लेकिन उस सबसे हटकर फूल की खेती, अगर गेंदा फूल की व्यवसायिक खेती की जाए और इससे किस प्रकार का लाभ आप ले सकते हैं, आइए इसी विषय पर जानकारी हासिल करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज का हमने विषय चुना है कि गेंदा फूल की व्यवसायिक खेती कैसे की जाए और कैसे अन्य फसलों से इससे ज़्यादा लाभ लिया जाए। तो सर्वप्रथम हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गेंदा फूल की खेती के लिए सर्वप्रथम क्या कार्य करें वो।
किसान भाइयों, हम लोग अभी अनुभव कर रहे हैं कि अनाज फसल का उत्पादन, उसमें लागत मूल्य दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और हमारी जो आमदनी है वो कम होते जा रही है। दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं वो आत्मनिर्भर बने, उनका जो उत्पादन हो वो सस्टेनेबल हो और उनकी रोज़मर्रा की जो आवश्यकता है उसको उसकी पूर्ति करें। इसके साथ में ही फसल विविधीकरण के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। अतः आज के परिप्रेक्ष्य में ज़रूरत है कि अनाज उत्पादन के साथ साथ हम लोग फूलों की व्यावसायिक खेती करें और इसमें गेंदा फूल जो है उसकी व्यावसायिक खेती आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, हम लोग जानते हैं कि फूलों का महत्व साज, श्रृंगार, सजावट इत्यादि हमारे कई सारे रीति रिवाजों में होता है। तो हम लोग आज ये चर्चा करेंगे कि हम लोग व्यावसायिक फूल की खेती कैसे करें। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि दो प्रकार का गेंदा जो है वो उपयुक्त है हमारे क्षेत्र के लिए। एक है अफ्रीकन गेंदा और दूसरा है फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा जो है इसका पौधा थोड़ा लंबा होता है, 100 से 120 सेंटीमीटर के आसपास, और जो फ्रेंच गेंदा है उसका पौधा छोटा होता है, 20 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच। जो अफ्रीकन गेंदा है उसका कुछ किस्म है पूसा नारंगी, पूसा बसंती, और जो फ्रेंच गेंदा है उसमें कुछ किस्में हैं गोल्डी, रस्टेड, रेड इत्यादि। गेंदा की खेती के लिए सर्वप्रथम आप खेतों की गहरी जुताई करें 2 से 3 बार, उसके बाद 20 टन कंपोस्ट का प्रयोग करें और आप बुआई के समय 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम स्फुर और 80 किलोग्राम पोटास का व्यवहार करें। हम लोगों को गेंदा पहले उसकी नर्सरी तैयार करनी होगी और नर्सरी तैयार करने के लिए आप 5 मीटर × 1 मीटर का प्लॉट तैयार करें, बेड तैयार करें, उठा हुआ बेड 15 सेंटीमीटर वो उठा हुआ होना चाहिए। और प्रति हेक्टेयर यदि बीज दर की बात करते हैं हम लोग, तो यदि हमारा गेंदा हाइब्रिड है, संकर प्रजाति का है, तो 800 ग्राम गेंदा का बीज वो पर्याप्त है एक हेक्टेयर के लिए। और यदि हम लोग ओपन पॉलिनेटेड या सामान्य गेंदा का बीज ले रहे हैं तो वो 1.25 किलो से 1.5 किलो के आसपास प्रति हेक्टेयर जो है वो पर्याप्त है। जो अफ्रीकन गेंदा है उसमें पौधे से पौधे के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर होती है और जो फ्रेंच गेंदा है उसमें पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होती है। अभी किसान भाइयों, हम लोग पूरे साल गेंदा की खेती कर सकते हैं और जो बुद्धिमान किसान होंगे वो क्या करेंगे कि जैसे जो हमारा मुख्य पर्व है, आप सावन की बात करें, आप शिवरात्रि की बात करें या फिर शादी विवाह का जो मौसम होता है, तो आप इस प्रकार अपने फसल का तैयारी करें, ऐसा योजना बनाएं कि इन अवसरों पर आपके पास प्रचुर मात्रा में फूल उपलब्ध हो। सामान्य रूप से आप अगस्त से सितंबर के बीच पौधारोपण कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको गर्मी में गेंदा चाहिए तो आप उसको जनवरी से फरवरी तक में उसका रोपण करें और फिर आप जून में भी इसका रोपण कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई रोपण की। अब आपने बताया कि नर्सरी तैयार करें। नर्सरी जब हमारे किसान भाई तैयार करें और वो जब उसमें बीज डालें, उस वक्त कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें नर्सरी तैयार करते समय, और कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे नर्सरी उनका अच्छा तैयार हो। किसान भाइयों, यहाँ पर मेरा सलाह होगा कि नर्सरी में आपको बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक नहीं डालना है। आपके पास जो भी जैव स्रोत के खाद है, कंपोस्ट है, उसका आप प्रयोग करें। और जो रासायनिक उर्वरक का मात्रा मैं बताया था कि 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम स्फुर और 80 किलोग्राम पोटास वो बुआई के समय, और 60 किलोग्राम नेत्रजन जो है वो आपको खेतों में प्रयोग करना है 30 दिन के बाद। अभी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है कि जैसे 30 दिन का जो आपका पौधा तैयार हो गया है नर्सरी, तो उसको हम लोगों को अपने खेतों में रोपण करना है, रोपाई करना है। हाँ, तो उस समय ध्यान देना आवश्यक है कि पौधे का जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर, और जब आपने रोपण कर दिया खेत में तो फिर 30 दिन के बाद आपको 1000 ppm एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसका स्प्रे करना है। ये ग्रोथ हार्मोन है, ये आपके पौधे के बढ़वार को बढ़ाएगा और उसमें जो फल उत्पादन है उसमें, जो फूल उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी करेगा। अभी 30 दिनों के बाद आपको पिचिंग करना है। पिचिंग का मतलब हुआ कि जो कोमल तना है
गेंदा के पौधे का, उसको आपको तोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि शाखाएं बहुत ज़्यादा निकलेंगी और जितनी शाखाएं निकलेंगी उतना फूल का उत्पादन होगा। तो फूल ये में देखा गया है, जब हमारे किसान भाई फूल की खेती तो कर लेते हैं, लेकिन अहम और सबसे बड़ी बात है कि इसका मार्केटिंग। आज हमारे झारखंड में दूसरे प्रदेशों पर निर्भर है फूल पर, लेकिन फिर भी यहाँ के किसान बार बार ये रोना रोते हैं कि हम बाज़ार तक नहीं पहुँच सकते हैं और उसका पूर्णतः व्यवसायीकरण नहीं हो पाता है। इसमें कौन सा बाधा आता है? संजय जी, मैं यहाँ पे किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि हम योजनाबद्ध तरीका में फूल का उत्पादन करें और बाज़ार उपलब्ध है। आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी शादी विवाह हो, कोई भी त्यौहार हो, उसमें फूल चाहिए होता है और वो फूल जो है वो हमको पड़ोसी राज्य से हमारे यहाँ आता है। तो यदि आप योजनाबद्ध तरीका से करेंगे, आपका उत्पाद जो है वो यदि निश्चित होगा कि बाज़ार में उपलब्ध है तो बाज़ार की इसमें कमी नहीं है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान देंगे कि जब आप अनाज की खेती करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप यदि धान की खेती करते हैं तो एक हेक्टेयर धान में यदि आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है तो 30 से 35 हज़ार रुपया, वहीं पर यदि आप गेंदा फूल की खेती करते हैं तो उसमें आपको 70 से 80 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर मुनाफा होता है। हालांकि लागत मूल्य भी जो है वो फूलों की खेती में ज़्यादा होता है और आज सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, बैंक जो है सुलभ ऋण उपलब्ध करा रही है। तो यदि आप ये योजना बना रहे हैं तो आप कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या बैंक से संपर्क करके कृषि ऋण प्राप्त कर सकते हैं और गेंदा फूल की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। ये निश्चित तौर से आपकी आमदनी को बढ़ाएगा। हाँ जी हाँ, किसान भाइयों, जब धान की आप खेती करेंगे तो बिल्कुल 30 से 35 हज़ार मुनाफा होगा और जब व्यावसायिक फूल की खेती करेंगे तो एक हेक्टेयर में आपको 60 से 70 हज़ार रुपये का मुनाफा होगा। सोचना आपको है कौन से चीज़ की खेती करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा, जोहार। तो गेंदा फूल के व्यावसायिक खेती के बारे में तो आपने जानकारी ले ली, तो आज के लिए बस इतना ही। हम जाते जाते आप हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, हम अगले अंक में फिर से नई कृषि संबंधित जानकारी लेकर हाजिर हो जाएंगे। जोहार।